हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दूध की मीठी सेवैयाँ की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान होता है और साथ ही साथ यह बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होती हैं, बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगती हैं। अगर आपको भी दूध की सेवैयाँ बनाना नहीं आता और खाना आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मेरी इस रेसिपी को देखकर आप भी दूध की सेवैयाँ बना सकते हैं। मैंने यहाँ छोटी से छोटी बातों को ध्यान में रखकर यह वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। आज की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि जब भी मैं आपके लिए नई रेसिपी लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच जाए। तो सेवैयाँ बनाने के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमको क्या क्या लेना है। तो मैंने यहाँ लगभग 150 ग्राम सेवैयाँ ली हुई हैं, जो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगी। और मैंने यहाँ भैंस का फुल फैट लगभग 400 ग्राम दूध लिया हुआ है। हमको 30 से 35 किशमिश ले लेनी है। और यहाँ मैं 4 छोटी इलायची ले ले रही हूँ। 14 से 15 हमको बादाम ले लेने हैं। 10 से 12 काजू ले लेने हैं। 4 चम्मच हमको शुगर ले लेना है, चीनी। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा शुगर की मात्रा बढ़ा सकते हो। और 2 चम्मच मैंने यहाँ देसी घी लिया हुआ है, तो मैंने यहाँ फैन को गर्म करने के लिए रख दिया था। इसमें मैं 2 चम्मच देसी घी डालूँगी। घी को हमें अच्छे से गर्म हो जाने देना है। तो अब हमने जो यहाँ सेवैयाँ ली हुई थी उसको हमें इसमें डाल देना है और अच्छे से चलाते हुए गैस का फ्लेम हमको लो ही रखना है, ध्यान रखें, और इसको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भून लेना है। इसको चलाते रहना है, नहीं तो सेवैयाँ जो होती हैं हमारी जल जाती हैं। तो इसको लगातार चलाते हुए हमें इनका सुनहरा सा कलर आने तक हमें अच्छे से इन्हें भून लेना है। तो सेवैयाँ को मैंने यहाँ अच्छे से भून लिया है। हमको सेवैयाँ ज़्यादा भी नहीं भूननी है, क्योंकि वह जल जाती हैं फिर टेस्ट नहीं आता, और कच्ची भी नहीं रखनी है। तो इस तरीके से हमको भून लेना है। तो मैंने यहाँ सेवैयाँ भून ली हैं, अच्छे से सेवैयाँ हमारी भून गई हैं। अब इसको निकाल के हमको एक बर्तन में अलग कर लेना है। तो इसको मैंने एक अलग बर्तन में निकाल लिया है। कढ़ाई हमारी यहाँ गर्म ही है, इसमें हमको दूध कर देना है। तो 3 कप मैं यहाँ दूध ले रही हूँ। अगर वेट की बात करें इसकी तो लगभग 400 ग्राम इसका वेट है। अब लगभग 1 कप हमें इसमें पानी कर देना है। अब दूध को हमें गैस का फ्लेम हाई रखते हुए अच्छे से उबाल लेना है। तो दूध में हमारे में उबाल आने लगा है। बीच बीच में दूध को हमें चला लेना है, ताकि दूध नीचे लग ना जाए, क्योंकि फिर दूध अगर लग जाता है तो उसकी खुशबू आने लगती है, तो सेवैयाँ हमारी ख़राब हो जाती हैं। इसलिए हमें बीच बीच में इसको चला लेना है। तो दूध हमारा अच्छे से उबल गया है, तो हमें इसमें जो हमने फ्राई की थी वो सेवैयाँ डाल देनी है। अब इसको हमें चला लेना है। तो इसको मैं अच्छे से चला ले रही हूँ। अब इसको हमें अच्छे से उबाल कर पका लेना है। गैस का फ्लेम हमको हाई रखना है। तो सेवैया में हमारा अच्छे से उबाल आने लगा है। अब इसको बीच बीच में चलाते रहना है हमको।
सेवैया को हमें बीच बीच में चलाते रहना है, क्योंकि सेवैया जो होती हैं एक दूसरे से चिपक जाते हैं, गुच्छा सा बन जाता है, तो खिली खिली हमारी सेवैया बनती हैं अगर हम बीच बीच में चलाते रहेंगे तो। तो मैं यहाँ सेवैया को अच्छे से पका ले रही हूँ। अब हम इसमें शुगर ऐड कर देना है। तो शुगर मैंने यहाँ लगभग 3 चम्मच लिया हुआ है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप शुगर की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब इसको हमें अच्छे से चला लेना है ताकि चीनी हमारी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसको हमें अच्छे से दोबारा उबाल आने तक पकाना है। सेवैया हमारी जितनी अच्छी उबल कर बनती हैं उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। तो सेवैया को हम जब भी बनाएं अच्छे से पका लें। अब हम यहाँ एक इमाम दस्ता लेंगे और यहाँ मैं 4 छोटी इलायची ले रही हूँ। इसको हमें अच्छा सा कूट लेना है। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप इलायची पाउडर भी यूज कर सकते हैं, और नहीं है तो आप इस तरीके से इलायची भी कूट कर डाल सकते हैं। तो यहाँ हमारी सेवैया भी गाढ़ी हो चुकी हैं। अब इसको हमें अच्छे से चला लेना है। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं लगभग 50 ग्राम ये किशमिश हैं। 40 से 45 में किशमिश ऐड कर देनी है हमें। किशमिश से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं इसमें 10 से 15 मैंने बादाम लिए हुए थे, उसको अच्छे से मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। अब हमको बादाम भी ऐड कर देने हैं। काजू भी मैं यहाँ ऐड कर दे रही हूँ। 7 से 8 काजू लिए हुए थे, और इलायची पाउडर जो हमने बनाया है वो भी हम इसको ऐड कर देंगे। अब इसको हमें अच्छे से धीरे धीरे चला लेना है। और लगभग 1 मिनट तक अभी हम इसको और पकाएंगे। तो जब भी आप इस तरीके से सेवैया बनाएंगे तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगी सेवैया आपको। तो आप भी मेरे बताए हुए तरीके से एक बार सेवैया बनाकर ज़रूर देखें। तो सेवैया जो है हमारी यहाँ पक चुकी हैं। अब इसको निकाल के हम एक बर्तन में स्टोर कर लेंगे। तो हमारी सेवैया यहाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, एकदम खिली खिली। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे खाने में भी यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं, पौष्टिक भी होती हैं। तो जब भी अगर आपका कुछ भारी खाने का मन नहीं है, हल्का फुल्का खाने का मन है, तो आप भी दूध की सेवैया बना सकते हो। बच्चों को भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं और बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक भी होती हैं। अब इसको हमें काजू और बादाम से गार्निश कर देना है। तो सेवैयाँ जो हमारी हैं सर्व करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें वीडियो को। बाय बाय दोस्तों, अगली रेसिपी में फिर मिलेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।